अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सब्जी जितनी चमकदार दिखे, समझिए खतरा उतना बड़ा है, क्योंकि आप जिसे सब्जी समझकर खरीद रहे हैं वो दरअसल जहर है। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक सरकारी जांच में। सरकार ने देश के कई हिस्सों में सब्जियों, फलों और दूध के सैंपल की जांच कराई तो 18% से ज्यादा नमूनों में खतरनाक कीटनाशक मिले। भारत में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, उसमें चाहे फल हो, सब्जियां हो या आपके खाद्यान्न हो, सब में भारी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग होता है। और अब जो स्टडी आई है उसमें से एक बात नज़र आती है कि भाई अनअप्रूव्ड केमिकल्स जो हैं या अनअप्रूव्ड पेस्टिसाइड हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले एक साल में देश के अलग अलग हिस्सों से 20,618 नमूने इकट्ठा किए गए। इन्हें 25 लेबोरेटरीज में जांचा गया। मालूम चला कि इनमें से लगभग 12% नमूनों में ऐसे कीटनाशक मिले जिनके इस्तेमाल पर रोक है। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 5 केमिकल हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी मतलब जो कि कैंसर जिससे हो सकता है, और वो पांचों के पांचों भारत में उपयोग होते हैं। ग्लाइफोसेट उसमें है, उसमें मेलाथियोन है, उसमें मैराथियोन मिथाइल पैराथियोन है और इस तरीके का डायजिनोन है। सरकार ने अपनी जांच के लिए जिन चीजों को चुना उनमें प्रमुख हैं सब्जियां, फल, मसाले, लाल मिर्च पाउडर, गेहूं, चावल और दूध। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों के 1180 नमूनों, फलों के 225, दाल के 43 और चावल के 30 नमूनों में प्रतिबंधित कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। यानी साफ है कि हम जो भी सब्जियां, फल और अनाज खा रहे हैं उनमें जहर घुला हो सकता है। जानकारों के मुताबिक सब्जियों में जहर घोलने की शुरुआत खेतों से ही हो जाती है। किसान ये करते हैं कि बहुत जगह पे देखा गया है कि इस फल और सब्जियों को पेस्टिसाइड्स में डुबो देते हैं, जिससे कि उसमें चमक भी आती है और उनको कीड़ा मरने का जो डर होता है, वो कीड़ा जो साफ करने का डर होता है वो भी होता है, तो उससे रेजिड्यूज हैं वो पेस्टिसाइड के उसमें रहेंगे। सरकार ने ये बेहद डराने वाली रिपोर्ट तो जारी कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि अब इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। आजकल की खेती में कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप अपने फल और सब्जियों को सिर्फ अपने पीने के पानी से साफ कर रहे हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। पानी से फलों और सब्जियों की गंदगी तो साफ हो जाती है, लेकिन पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाओं का असर खत्म नहीं होता है। आइए इसे हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। ये खेत से लिए गए कुछ ताज़ा टमाटर है। इसको मैं आपके पीने के पानी में डिप करूंगी और ये है हमारे अद्भुत कैंजन मशीन से निकला हुआ स्पेशल 11.5 पीएच का पानी। इस प्रयोग के बाद आप क्लियरली देख पाएंगे कि आप प्रतिदिन कितना कीटनाशक अपने शरीर में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है आपके पीने के पानी से क्लीन किया गया टमाटर और ये है 11.5 पीएच से क्लीन करने के बाद का पानी, आप क्लियरली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कैंजन वाटर मशीन अतुल्य पानी 11.5 पीएच तैयार करती है जो आपके खाद्य पदार्थों को रसायन मुक्त बनाती है।